जैसा कि आप जानते हैं कि प्रभु यीशु के चेले पौलुस और सीलास जब बंदीगृह में थे तब वे परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। उसी दौरान बड़ा भूमिकंप हुआ, बंदीगृह की नींव हिल गई और उसके द्वार खुल गए, सबके बंधन टूट गए। देखा कितनी अद्भुत रीति से परमेश्वर ने उन्हें बंधनों से आज़ाद किया। आज भी आराधना की ये सामर्थ काम कर रही है, तो चलो हम भी पवित्र शास्त्र में जैसे लिखा है वैसे डब बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करें, ऊंचे शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हालेलुया शब्द का अर्थ है परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। अभी हम उस महान परमेश्वर को गाना गाकर धन्यवाद देने वाले हैं, इसलिए आप लोग तालियां बजाकर गाने में पूरे दिल से भाग लीजिए। गाना क्रमांक 104, रोज रोज गाऊं। गाना क्रमांक 104, रोज रोज गाऊं। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता, धड़कनों में यीशु का नाम गूंजता। पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम, पाप से बचाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। दुख से कराहता ये दिल पुकारता, दुख से कराहता ये दिल पुकारता। दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम, दुख को मिटाने वाले यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हार जीत में पुकारे नाथ का ही नाम, हार जीत में पुकारे नाथ का ही नाम। भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम, भाग्य के विधाता मेरे यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। रोज रोज गाऊं यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम, शाम और सुबह प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। गाना क्रमांक 105, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है,
तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, तेरे ही वचनों में शांति संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों में चलता रहूंगा। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, गाना क्रमांक 25 आवाज उठाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा है, इन चांद सितारों में ये आकाश भी तेरा है, महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ऐ यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, दिल तेरा खजाना है एक पाक मोहब्बत का, यहाँ पा न सका कोई सागर है तुल्फत का, हम तेरी मोहब्बत से दिल अपने सजाएंगे, ये यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ए यीशु महान अपना ये गीत सुनाएंगे, आवाज उठाएंगे हम साथ बजाएंगे, ये यीशु महान अपना
ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 107 आत्मा के आनंद। गाना क्रमांक 107 आत्मा के आनंद। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच, ईश्वर की महिमा आज यहाँ प्रकट हो जाए हमारे बीच। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए, पाप का अंधेरा हर दिल से तेरी ज्योति से मिट जाए। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु। जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु, जीवन जल बरसा कर तू अच्छी फसल उगा दे प्रभु। आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, आत्मा के आनंद से दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु, दिल मेरा भर दे प्रभु। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 102 स्तुति करे गाएं आनंद से। गाना क्रमांक 102 स्तुति करे गाएं आनंद से। स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम। हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया गीत गाए प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए। स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम। उसकी शक्ति से भर के शत्रु उसके अधीन है, पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है, पाप के राह में गिरे बिना रक्षा मेरी करता है। हालेलुया गीत गाए
हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम। क्रोध के जाल में जब मैं फंसूं, मुक्ति बन कर मेरे पास, इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले, इंसान के पाप के लिए सूली पर बलि देने वाले, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, हालेलुया गीत गाए, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, स्तुति कर गाए आनंद से, स्तुति कर गाए प्रभु का नाम, हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया गीत गाए, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, प्रभु के नाम की महिमा हो, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक दो, सेनाओं का यहोवा। गाना क्रमांक दो, सेनाओं का यहोवा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, ओ यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, समुंदर को जिसने दुभागा, जंगल में से मार को निकाला, जो वादे को करता है पूरा, हो यहोवा हमारे संग संग है। जो वादे को करता है पूरा, हो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, लाजर को जिसने जिलाया, जक्कई को जिसने बचाया, जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है। जिसके लिए सब है संभव, ओ यहोवा हमारे संग संग है।
सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 17, हम करें तेरी वंदना। गाना क्रमांक 17, हम करें तेरी वंदना। हम करें तेरी वंदना, हम करें तेरी वंदना। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। मन से तुझे देखेंगे हम, पूजेंगे हम यूं ही सदा। हम करें तेरी वंदना, हम करें तेरी वंदना। तूने हमें भोजन दिया, तेरी दया तेरी दया। तूने हमें जीवन दिया, कुछ भी नहीं हमसे लिया। हर दिन करे नमन तेरे सम्मान से, हर दिन करे नमन तेरे सम्मान से। हम करे तेरी वंदना, हम करे तेरी वंदना। हम सब करें मिलके दुआ, तेरे रहे तेरे लिए। तेरी शरण तेरे चरण सबसे बड़े मेरे लिए। दर्शन करे तेरे तेरे वरदान से, दर्शन करे तेरे तेरे वरदान से। हम करे तेरी वंदना, हम करे तेरी वंदना, हम करें तेरी वंदना। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। गाना क्रमांक 122, 13 वचन। गाना क्रमांक 122, 13 वचन। तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन। तेरा वचन प्रभु, तेरा वचन कैसा है अद्भुत, तेरा वचन। तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है। तेरे ही वचन से शांति मिली है, आत्मा मेरी रोशन हुई है। वचन है तेरे दीपक मेरे, मार्ग में मेरे उजियाला। वचन है तेरे दीपक मेरे, मार्ग में मेरे उजियाला।
तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन तेरे ही वचन से भूख बुझी है आत्मा को मेरे भोजन मिला है तेरे ही वचन से भूख बुझी है आत्मा को मेरे भोजन मिला है सदा के लिए तृप्त हुआ है नया जीवन दिया तेरे वचन ने सदा के लिए तृप्त हुआ है नया जीवन दिया तेरे वचन ने तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन सदा करूंगा ध्यान वचन का रात और दिन उसे दिल में रखूंगा सदा करूंगा ध्यान वचन का रात और दिन उसे दिल में रखूंगा जीवित प्रबल है तेरा वचन प्रभु मेरी आत्मा का रक्षक है जीवित प्रबल है तेरा वचन प्रभु मेरी आत्मा का रक्षक है तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन प्रभु तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन कैसा है अद्भुत तेरा वचन हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 आप लोग अपनी जगह पर अभी खड़े हो जाइए। अभी हम उस महान जीवित परमेश्वर को नाचते हुए गाते हुए झूमते हुए पूरे दिल से तालियां बजाकर धन्यवाद देंगे। इसलिए जोर से बोलिए हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया 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 यीशु है सच्चा गणेरिया हम उसकी भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गणेरिया हम उसकी भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं वादी पहाड़ी में हमको ले चलता है जहाँ पे सुखदाई झरने बहते हैं यीशु है सच्चा गणेरिया हम उसकी भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गणेरिया हम उसकी भेड़े हैं हरी चराइयों में हमें चराता है संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है संकट में मेरी रक्षा वो करता है शैतान के हाथों से मुझको छुड़ाता है यीशु है सच्चा गणेरिया
हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है अब तो किसी का हमको डर नहीं है क्योंकि यीशु जो मेरा साथी है यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है यीशु है सच्चा गड़रिया, हम उसकी भेड़े हैं। हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है, हरी चराइयों में हमें चराता है। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है, नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है। यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है, यीशु ने मुझे जीवन दिया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे जीवन दिया है, नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे जीवन दिया है। यीशु ने मुझे आनंद किया, यीशु ने मुझे आनंद किया, यीशु ने मुझे आनंद किया, यीशु ने मुझे आनंद किया। भागेंगे दौड़ेंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे आनंद किया, भागेंगे दौड़ेंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे आनंद किया। यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है, नाचेंगे गाएंगे सबको बताएंगे यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है, यीशु ने मुझे चंगा किया है। हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया 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 प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो पृथ्वी पर, प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो पृथ्वी पर। अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु पर जा, अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु पर जा। प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो पृथ्वी पर, प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो, प्रभु पुनावा वर्तो पृथ्वी पर। अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु पर का, अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु, अंत करना दे प्रभु पर का। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मन
पृथ्वी पर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता, प्रभु फिर से मंडराता पृथ्वी पर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु, मुझे छू अनमोल प्रभु एक बार फिर। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो, विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा। विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो, विश्वासी लोगो हिम्मत न हारो, विश्वासी लोगो निराश नहीं हो। विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, विश्वासी जन विश्वास से जीवित रहेगा, जीवित रहेगा, जीवित रहेगा। हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अब हम उस महान परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए आप लोग खड़े रहिए और दिल से स्तुति आराधना में भाग ले लो। अपने हाथों को ऊंचा उठाओ और जोर से बोलिए, हालेलुया, 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे महान परमेश्वर, हमारे प्यारे पिता, हम तुझे दिल से धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु। आज तेरा अनुग्रह हम पर हुआ कि आज के दिन तूने हमें तेरी उपस्थिति में लाया है प्रभु। तूने संसार से बाहर निकालकर तेरे दिव्य प्रकाश में, तेरी रोशनी में हमें खड़ा किया। ये इस तेरे प्यार के बदले हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो आज संसार के लोग उनके उनके कामों में मशगूल हैं। जगत में हॉल, सिनेमा घर, मॉल्स, ये सारी बातें लोगों से भरी हुई है, परंतु परमेश्वर ने आपके ऊपर ये असीम कृपा की है, उसकी दया की है कि उसने आपको संसार से चुन करके उसके राज्य का वारिस होने के लिए बुलाया है। इसलिए आज के इस महान और सुंदर दिन के बदले जोर से तालियां बजाकर उसे धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद स्वर्गीय पिता, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। मेरा प्रभु मुझसे प्यार करता, मेरा दिल उससे भर जाता। चाहे सब मुझे को ठुकराए, चाहे सब मुझे को ठुकराए, मेरा प्रभु मुझसे
हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, देखो वो परमेश्वर आज भी जीवित है, हाँ प्रभु, और वो हम सभी के ऊपर अमर्याद प्यार करता है। धन्यवाद। वो हमें बनाने वाला, हमें रचने वाला, हमारा निर्माण करता, हमारा स्वर्गीय पिता है। हाँ, देखिए उसके हाथों की कारीगरी, उसने ये पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड उसके शब्द के द्वारा निर्माण कर दिया। हाँ, ये सुंदर आकाश उसने हमारे लिए बनाए हैं। आकाश में चांद और सितारे, सूरज उसने हमारे लिए बनाया हुआ है। वो हमें बरसात का पानी दे रहा है, और इस पानी के द्वारा वो हमारी जरूरत को पूरी कर रहा है। इसके बदले उसे धन्यवाद दो, उसके नाम को ऊंचा उठाओ। उसने हमारे लिए अनेकों प्रकार के पेड़ पौधे, पशु पक्षी बनाए हैं, फूल बनाए हुए हैं। इसके बदले उसे धन्यवाद दो। उसने हमारे लिए पर्वत, पहाड़, नदियाँ बनाए हैं। इसके बदले उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, और इन सब से बढ़कर उसने हम मनुष्य जात के ऊपर प्यार किया। हाँ, इसीलिए उसने हमें उसकी समान, उसकी समानता में उसके जैसा बनाया है। हम जैसे दिखते हैं, ये परमेश्वर की कृपा है, ये उसका प्यार है, क्योंकि उसने हमें सुंदर आकार दिया हुआ है, उसने हमें अच्छा बनाया हुआ है, उसने हमारे आँखों में रोशनी दी हुई है, सुनने के लिए शक्ति दी हुई है, बोलने के लिए अच्छी जुबान दी हुई है, हमारे शरीर में ये ताकत दी हुई है, अच्छी बुद्धि और अच्छा ज्ञान देकर उसने हमारे जीवन को आशीषित किया है। उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, उसके महान नाम को ऊंचा उठाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो, क्योंकि सचमुच वह हम पर बहुत प्यार करने वाला, हम पर कृपा करने वाला, हम पर दया करने वाला, वो हमारा स्वर्गीय पिता है। देखिए वो हमारी सारी जरूरतों को पूरी करता है। वही हमें खाने के लिए भोजन देता है, और वही हमें पीने के लिए पानी देता है, हमारे शरीर की आवश्यकताओं को वो पूरी करता है, और यहाँ तक कि हमारी आत्मा को लगने वाली जरूरतों को भी वो पूरी करता है। वो हमें सिस्टर और ब्रदर के प्रवचनों के द्वारा हमारी आत्मा को उसके राज्य में मजबूत करता है। जब हम गिरने जाते हैं, तब वो हमें उसके वचनों के द्वारा उसका हाथ बढ़ा करके थाम लेता है। उसे धन्यवाद दो, उसकी महिमा करो, उसकी प्रशंसा करो। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन वरदानों से यहाँ जीवन सवारा भी। सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझको दी, अनगिन
जगो तेरे ही हाथों ने रोप दिया है, तब चरणों में लेकर आए सुंदर जीवन भी, जिसको तेरे ही हाथों ने रोप दिया है। प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, प्रभु तव गुण गाते, सुंदर सुहानी जिंदगी तूने मुझे को दी, अनगिन हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया है, धन्यवाद। और इस जीवन को सुंदर आकार प्रभु यीशु मसीह ने दिया है, धन्यवाद। क्योंकि उसी की वजह से हमें जीने की राह मिल गई, हमें सच्चाई मालूम हो गया, और उसी की वजह से हमारे जीवन में हम आशीषों का अनुभव ले रहे हैं, धन्यवाद। आज हमारे दिल में ये शांति है, आज हमारा हृदय आनंदित है प्रभु यीशु मसीह की कृपा की वजह से। हाँ, उसने हमारे जीवन के ऊपर अनगिनत ऐसे उपकार किए हैं, उनके उपकारों के बदले उसे धन्यवाद दो, उसके महान प्यार के बदले उसे धन्यवाद दो, उसकी प्रशंसा करो, उसकी बढ़ाई करो। हे महान प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं, हमारा हृदय तेरी बढ़ाई करता है, हमारी आत्मा तेरी प्रशंसा करता है, क्योंकि तू हमारे जीवन में आया और तूने हमारे जीवन को बदल दिया। हाँ प्रभु, तूने हमारे आंसुओं को पोंछ डाला है, हर एक संकट में, हर एक मुसीबत में तू हमारे हाथ को थामे रहता है, और तू हमसे कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूँ। धन्यवाद प्रभु, हर एक विपत्ति में हमारे हाथ पकड़कर चलने वाला तू हमारा स्वर्गीय पिता है। हाँ, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद। हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाकर दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, उसे धन्यवाद दो, और कहो उसे प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। तू ही हमारा मालिक है, तू हमारा स्वामी है, तू हमारे दिल का राजा है। हाँ प्रभु, हर एक विपत्ति से तू हमें बाहर निकालता है, हमारे जीवन के अंधियारे को तू दूर करता है, हमारे जीवन से शैतान के कामों को तू नष्ट करता है। हाँ प्रभु यीशु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने ये हमें सुंदर जीवन दे करके हमें आशीषित किया है, इसलिए वो जब इस स्वर्ग से इस धरती पर आया था, उसने कहा था कि मैं किसी का प्राण लेने नहीं बल्कि उन्हें जीवन देने के लिए आया हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसलिए जोर से तालियां बजाकर दिल से प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। तू हमारा जीवन है, तू हमारी शांति है, तू हमारे दिल का राजा है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु हालेलुया। होसाना होसाना होसाना, हालेलु हालेलु।
भी मेरे प्यारे भाई और बहनों, सबसे बड़ा प्यार जो परमेश्वर ने हम पर किया कि उसने अपने इकलौते एक बेटे को प्रभु यीशु मसीह को अपने गोद से उठाकर हम सब के लिए बलिदान कर दिया। धन्यवाद। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसके बलिदान को हम आज फिर याद करने जा रहे हैं, इसलिए आइए उसके क्रूस के पास और देखिए उसकी ओर। जब हम पापों में थे, हम उस पाप की खाई में कीचड़ में डूबे हुए थे और पाप करते रहने की वजह से हमारी आत्मा का अनंत काल के लिए नाश होने वाला था। हाँ प्रभु। हम उससे कभी बाहर नहीं निकल पाते। हाँ। हम हमारी खुद की ताकत से और बुद्धि से हम कभी उसे मात नहीं कर पाते, अर्थात शैतान का हमारे जीवन के ऊपर अधिकार था, क्योंकि हम पाप कर रहे थे और पाप के गुलामी में, यानी कि शैतान के गुलामी में हम फंसे हुए थे। हाँ प्रभु। परंतु मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया। धन्यवाद। हमें ये नया जीवन देने के लिए, हमारे जीवन को आशीषित करने के लिए, हमारे जीवन से शैतान के कामों का नाश करने के लिए, धन्यवाद प्रभु, वो खुद उसके अधिकार में गया। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, एक भी पाप न करते हुए निष्पाप निष्कलंक वो था, फिर भी वो पापियों में गिना गया। हाँ, वो अपराधियों में गिना गया। हाँ, क्योंकि हमारे पाप, हमारी निंदाएं, हमारे श्राप उसने उसके ऊपर ले लिया। हाँ, और उसने हमें हमारे पापों से, पाप के बोझ से उसने मुक्त कर दिया। धन्यवाद। दिल से उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। दिल से उसे धन्यवाद दो। धन्यवाद। उसे धन्यवाद दो। हाँ प्रभु यीशु, तो हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस धरती पर आ गया और हमारे सारे पापों को तूने तेरी देह के ऊपर ले लिया। हमें हमारे पापों की वजह से जो चाबुक के फटके लगने वाले थे, वो 39 चाबुक के फटके तूने तेरी देह के ऊपर खाए। हाँ प्रभु। और प्रभु तेरे मार खाने से आज हमें चंगाई मिलती है। धन्यवाद। तेरे लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिलती है। धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद। तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद। हमारे पापों का सारा कर्ज तूने अदा कर दिया। हाँ प्रभु। और हमें यह आशीषित जीवन दे दिया। धन्यवाद प्रभु। तूने हमारे लिए सलीब का बोझ लेकर, अर्थात क्रूस का बोझ लेकर कालवरी के पहाड़ पर चढ़ा। हाँ, और प्रभु हमारे लिए तूने तेरे पवित्र हाथ और पैरों के ऊपर खिले ठोकने दिए। हमारे लिए तूने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी। हाँ प्रभु। प्रभु यीशु, तेरे जैसा प्यार इस संसार में हम पर कोई कभी नहीं कर सकता। हाँ प्रभु। प्रभु तूने हमें अनंत जीवन दे दिया। धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद प्रभु। तुझे धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु यीशु। 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 मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। मेरे गुनाह की ली तूने सजा, चाबुक की मार से कुछ ना दिया मैंने, कुछ ना दिया बदले में प्यार के। ये क्या किया तूने, क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया। चल के सलीब पे कर्जा किया तूने मेरा दा, काटो और खीलो से
तूने सहा, चल के सलीब पे कर्जा किया तूने मेरा दा, काटो और कीलो से फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, फिर भी ना कम हुआ प्यार तेरा, जान दे के तूने ये जीवन दिया, मरते हुए माफ करते गया जुल्म और सितम मेरे मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरे मरते हुए माफ करते गया जुल्म और सितम मेरे मेरे लिए तूने खाई सदा, दुनिया की ठोकरे ये क्या किया तूने क्यों ये किया, जान दे के तूने ये जीवन दिया, मेरे गुनाह की तूने सजा चाबू की मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के, मेरे गुनाह की तूने सजा चाबू की मार से, कुछ ना दिया मैंने कुछ ना दिया बदले में प्यार के, बदले में प्यार के, बदले में प्यार के। और अभी मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम अपने महान प्रभु की आराधना करने जा रहे हैं, इसलिए जिन्हें संभव है वे घुटने पर आ जाइए, अपने हाथों को ऊंचा उठाकर अपने सच्चे हृदय से उस महान प्रभु की आराधना कीजिए। हे महान परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरे उपासना करते हैं प्रभु। समस्त पृथ्वी को पूरे ब्रह्मांड को तूने बनाया है, तेरा सिंहासन स्वर्ग में विराजमान है, परंतु तेरी आंखें हमारी ओर लगी हुई होती है। धन्यवाद। और जब हम अपने हाथों को ऊंचा उठाकर अपने सच्चे हृदय से तेरी आराधना करते हैं, तब हम तेरे दिल को प्रसन्न करते हैं प्रभु। हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी उपासना करते हैं, हम तेरे नाम की बढ़ाई करते हैं। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, जीवन से भी उत्तम तेरी करुणा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा।
तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा प्रभु, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, होठों से स्तुति करूंगा सर्वदा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा, तेरे नाम से मैं हाथ उठाऊंगा। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों का कीमत अदा करने के लिए वो जरूर क्रूस के ऊपर मर गया, परंतु वो उसी अवस्था में न रह सका क्योंकि वो तो स्वर्ग से आया हुआ था। उसने मृत्यु को हराया और वो तीसरे दिन जी उठा और आज भी वो जिंदा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस प्रकार उसने उसके चेलों को पवित्र आत्मा से भर दिया, आज वो फिर हमें उसके पवित्र आत्मा से भरने के लिए तैयार है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने दोनों हाथों को ऊंचा उठाओ और मांगो उससे पवित्र आत्मा, बुलाओ उसके पवित्र आत्मा को अपने दिल में। आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा, आप पवित्र आत्मा हमारे दिल में वास कर, हमारे दिल में वास कर, हमारे इस दिल को तेरा मंदिर बनने दे, हमारे जीवन में प्रवेश कर, हमारे जीवन में प्रवेश कर, तेरा प्यार लेकर आ, तेरी शांति लेकर आ, तेरे स्वर्गीय आनंद से तो हम सभी को भर दे। आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, आ पवित्र आत्मा, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी, पावन आत्मा आओ, भर दो मुझ में दया तेरी, 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 पावन पावन आत्मा, भर दो मुझ में कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा तेरी, कृपा पावन आत्मा, भर दो मुझ में शांति तेरी, पावन आत्मा, भर दो मुझ में शांति तेरी, शांति पावन आत्मा, भर दो मुझ में प्रेम तेरा, पावन आत्मा,
हालेलुया 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 स्वर्गीय पिता धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद धन्यवाद पवित्र आत्मा धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु यीशु हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जिनके पास बाइबल है आप देखिए प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 15 प्रेरित पौलुस की कुरिन्थियों के नाम दूसरी पत्री अध्याय 9 वचन 15 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। वचन बता रहा है कि परमेश्वर का उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के बहुत बड़े और बहुत सारे ऐसे एहसान मनुष्य के जीवन के ऊपर है, यहाँ तक कि हमारे पास अपना कुछ भी नहीं है, जो भी है वो परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। हम खुद के मालिक नहीं है, बल्कि परमेश्वर हमारा मालिक है। उसने हमें बनाया, उसने ये शरीर हमको दिया, उसने ये ज़िंदगी हमको दी, वो हमें जीवित रखता है, हमारी ज़रूरतों को वो पूरा करता है, वो हमें संभालता है। और सबसे बड़ी बात, ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हमें कहाँ जाना चाहिए ये भी परमेश्वर ने पहले ही तय करके रखा है, और उसके लिए भी उसने रास्ता बना कर रखा है, ताकि ये ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद हम उस महान परमेश्वर के घर में पहुँचे और अनंत काल उसके साथ वहाँ रहे। हालेलुया हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि परमेश्वर के उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जब यहाँ प्रार्थना में आते हैं, आप पहले मिनट से लेकर अंत के मिनट तक हम आपको लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करने के लिए सिखाते हैं। और ये बड़ी अजीब बात है जो दुनिया में कहाँ नहीं होती। दुनिया में पहली बात, परमेश्वर का स्मरण ज़्यादातर कहीं होता नहीं है, और समझो हुआ भी तो एक ही बात के लिए होता है, मांगने के लिए, प्रभु ये दे वो दे, मेरी ये प्रार्थना सुन मेरी वो प्रार्थना सुन। धन्यवाद देना और परमेश्वर के एहसानों के बदले हमेशा धन्यवादी बने रहना, उसकी स्तुति करते रहना, उसकी महिमा करते रहना, ये बात दुनिया जानती ही नहीं है। आपने भी प्रभु के पास आने के बाद पहली बार ये देखा होगा कि लगातार प्रभु का धन्यवाद करते रहना कितना ज़रूरी है और कितना महत्वपूर्ण है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके हाथ में जब भी नया मोबाइल आता है, आप कितने दिन तक उस मोबाइल को बार बार देखते रहते हैं। एक बार देखा है तो भी मन भरता नहीं है। नया मोबाइल है ना, तो बार बार उसको देखते जाते हैं, दूसरों को भी दिखाते हैं और सोचते हैं कितना अच्छा मोबाइल है, कितना अच्छा मोबाइल है, इसमें कितनी अच्छी अच्छी फंक्शन है। और यदि और किसी के हाथ में इससे भी भारी मोबाइल देखा तो और उम्मीद, इच्छा पैदा होती है कि एक दिन मेरे पास भी ऐसा भारी मोबाइल आ जाए। मोबाइल एक मनुष्य का काम है जिसके पीछे आप इतने पड़े रहते हैं, जिसमें आप इतना मन डालते हैं। ये मैंने एक बात मनुष्य की बताई, मोबाइल। कितनी सारी बातें दुनिया में है जिनके पीछे लोग पड़े रहते हैं और उसके लिए मनुष्य की प्रशंसा की जाती है, जिसने मोबाइल बनाया कितना भारी मनुष्य है, जिसने कार बनाई कार के बारे में कितने सारे लोग कार के लिए पागल होते हैं, उन्हें लगता है कार मिल गई यानी स्वर्ग मिल गया। कितने सारे लोग एक बड़े मकान के लिए पागल होते हैं, उन्हें लगता है एक मुझे एक बड़ा मकान मिल गया तो मुझे स्वर्ग मिल गया। हम दुनिया के कितने सारे बातों के पीछे पड़े रहते हैं और इस सच्चाई को भूल जाते हैं कि इससे कई गुना बढ़कर बड़े बड़े वरदान परमेश्वर ने हमें बिना मांगे दिए हुए हैं। हालेलुया। आपके हाथ में 1,00,000 का भी मोबाइल रहेगा, पर यदि आपकी आँखों की नज़र कमज़ोर हो गई और आप मोबाइल को देख नहीं पाएंगे तो बताइए मोबाइल भारी है या आपकी आँखें भारी है। 1,00,000 का मोबाइल आपके हाथ में है पर आप उसमें ठीक से देख नहीं सकते हैं। क्यों? आँखों की रोशनी कम हो गई है, आँखें कमज़ोर हो गई है, मोबाइल में देख नहीं सकते हैं। आप दूसरों को बता सकते, देखो मेरा मोबाइल कितना भारी है, पर ये नहीं बोलेंगे मेरी आंखें कितनी भारी थी जो परमेश्वर ने मुझे दी थी, पर अभी मैंने मूर्खता के कारण अपनी आंखों की रोशनी गंवाई है। मूर्खता ये है कि हम कभी परमेश्वर के वरदानों को पहचानते नहीं है। प्रभु यीशु ने सामरी औरत से कहा था, यदि तू जानती परमेश्वर के वरदान क्या है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यदि तू जानती कि परमेश्वर के वरदान क्या है, परमेश्वर ने मनुष्य को जो भी दिया है वो इतना अनमोल है, इतना अनमोल कि वचन ऐसा कहता है जो वर्णन से बाहर है, आप उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मोबाइल का वर्णन आप कर सकते हैं पर आँखों का नहीं कर सकते हैं। आपकी उम्र 40 साल हो गई है या 50 साल हो गई है, इतने साल आपने अपनी आँखों का इस्तेमाल किया, कभी सोचा नहीं कि परमेश्वर ने कितनी अनमोल आँखें मुझे दी हुई है, कितनी अनमोल आँखें। और आज आँखों की नज़र कम हो गई
तभी भी समझ में नहीं आता है कि परमेश्वर का ये कितना बड़ा वरदान मुझे उसने दिया हुआ था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा शरीर ये परमेश्वर का अनमोल वरदान है, क्योंकि यीशु ने कहा है तुम अपने सर का एक बाल भी काला या सफ़ेद नहीं बना सकते हो। एक बाल भी, एक बाल भी। एक जवान लड़की ने गवाही दी थी, उसके सर के बाल निकल चुके थे और जब उस पर इलाज किया गया तो इलाज करने के बाद थोड़े बहुत बाल सर के ऊपर आ गए, पर वो सफ़ेद बाल उगे। ये जवान लड़की थी, मेरे ख्याल से 16-17 साल की लड़की होगी, वो रो रही थी। आप समझ सकते हैं, कोई 50 साल का या 60 साल का बुज़ुर्ग है, वो भी नहीं चाहता है कि मेरे बाल निकल जाए, वो भी चाहता है मेरे सर पे बाल रहने चाहिए। तो 17 साल की लड़की को क्या लगेगा जिसके सर के पूरे बाल निकल चुके थे। वो इतनी रो रही थी। निवासी शिविर में कई बार उसने अपनी माँ के साथ सहभाग लिया और उसके बाद वो और उसकी माँ दोनों मंच पे गवाही देने के लिए आ गए। गवाही के समय दोनों भी रो रही थी, माँ भी रो रही थी, बेटी भी रो रही थी। गवाही क्या थी? कैंसर ठीक हो गया, HIV ठीक हो गया, TB ठीक हो गया, दमा ठीक हो गया, ऐसी गवाही नहीं थी, बल्कि गवाही ये थी उसका पूरा सर बालों से भरा हुआ था और प्रभु ने उसको काले काले नए बाल दिए थे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी माँ रोते रोते बता रही थी कि मेरे बेटे के साथ क्या हुआ था, और वो जब भी प्रार्थना में आती थी हमेशा पूरा सर ढक कर आती थी। गवाही के लिए आई थी तभी भी ढक कर आई थी, क्योंकि उसके बाल बढ़े नहीं थे, छोटे थे, पर पूरा सर बालों से भरा हुआ था और एकदम काले बाल आ चुके थे। जब बेटी को गवाही के समय पूछा गया, वो कुछ बोलने के हालत में ही नहीं थी, वो बस लगातार रोते जा रही थी। इसको मालूम है ये बाल परमेश्वर का कितना अनमोल वरदान है। आपको और मुझे क्या समझेगा? जो 16-17 साल की जवान बेटी है जिसके बाल कई महीना से पूरे के पूरे निकल गए थे, पूरे बाल निकल गए थे और इलाज करने के बाद थोड़े थोड़े बाल उगे, वो भी सफ़ेद बाल उगे, तो हम समझ सकते हैं क्या उसकी हालत होगी। और अभी बाल आ गए तब वो रोते रोते गवाही दे रहे हैं, मतलब वो समझ गए कि बाल ये परमेश्वर का कितना अनमोल वरदान है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे शरीर का हर एक अंग परमेश्वर का एक अनमोल ऐसा वरदान है और लोग इस बात को समझते ही नहीं है। ब्रदर हमेशा कहते थे, कितने सारे लोग अपनी जबान हिलाकर बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या दिया है, अपनी जबान को हिलाकर बोलते हैं परमेश्वर ने मुझे क्या दिया, पर जिस जबान को हिलाकर बोल रहा है ना, ये जबान भी तुझे परमेश्वर ने दी है। तूने कहीं सुपरमार्केट से खरीदी नहीं है, दुनिया के कोई बाजार से खरीदी नहीं है, ये जबान भी तुझे परमेश्वर ने दी हुई है। हालेलुया, हालेलुया। अपने यहाँ एक जवान लड़के ने गवाही दी थी कि उसका आवाज़ लड़की जैसा आवाज़ था, और इसकी गवाही हमारी टीम की बहनें भी है। वो कहते हैं जब हम उनके घर पे किसी काम के लिए फ़ोन करते थे तब उसका आवाज़ ऐसा आता था जैसे कि उसकी माँ बोल रही है, और हम ये समझते थे कि माँ बोल रही है, माँ समझ के उसके साथ बातें करते थे। फिर वो बोलता था, नहीं मैं उसका बेटा बात कर रहा हूँ। 17-18 साल का लड़का और बिल्कुल लड़की जैसा आवाज़ आता था। वो बोलता है सब जगह मुझे हंसते थे, कॉलेज में जहाँ कहीं जाता था सब मुझे हंसते थे, क्यों लड़की जैसा आवाज़ आता है। फिर उसने यहाँ प्रार्थना बिनती लिख कर डाली, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अनुग्रह कर मेरे आवाज़ को बदल दे। और सचमुच प्रभु ने ऐसा अनुग्रह किया कि उसका आवाज़ एक अच्छे लड़के की तरह बन गया। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ये लड़का जानेगा कि ये हमारी आवाज परमेश्वर का कितना बड़ा अनमोल वरदान है। हम अपने जबान का इस्तेमाल करके और जो जो वाणी जो आवाज़ परमेश्वर ने हमें दिया है हम उससे चिल्लाते हैं बोलते हैं कुछ भी यहाँ वहाँ की बातें बोल के उल्टा सिल्टा बोल के कुछ भी इस्तेमाल करते हैं पर नहीं समझते कि ये हमारा आवाज़ भी परमेश्वर का एक अनमोल वरदान है। हालेलुया हालेलुया। गए 3 सप्ताह से मेरा गला बैठा हुआ था और तभी मुझे बोलने में और ज़्यादातर प्रवचन देने में क्योंकि प्रवचन देते समय लगातार बोलना पड़ता है मुझे बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि मुझे जोर लगाकर बोलना पड़ता था। जब आवाज़ खुल गई अभी जोर लगाकर नहीं बोलना पड़ता है तब समझ में आता है कि आवाज़ ये परमेश्वर का कितना बड़ा अनमोल वरदान है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पुराने नियम का एक वचन मुझे बहुत अच्छा लगता है परमेश्वर कहता है शांत हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। शांत हो जाओ और जान जाओ कि मैं ही परमेश्वर हूँ। अपनी आत्मा में और अपने देह में भी शांत हो जाओ और सच्चाई से खोजते जाओ ढूंढते जाओ तब जानोगे हम कुछ भी नहीं है। परमेश्वर के सिवाय हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं है। हमारे शरीर की हर नस नस भी उसकी बनाई हुई है। हमारे शरीर के लहू का बूंद बूंद भी परमेश्वर का दिया हुआ वरदान है। यदि उसने नहीं दिया तो हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हमारे शरीर के अंदर जो सांस चल रही है ये भी परमेश्वर का वरदान है क्योंकि जब सांस रुक जाती है एक पल में मनुष्य खत्म हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों हम शांत होकर देखते जाएंगे तो समझेंगे कि हमारा पूरा ही पूरा जीवन परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है उसके अनमोल वरदानों से भरा हुआ है और ऐसे अनमोल वरदान जो हम किसी के द्वारा भी चुका नहीं सकते हैं। परमेश्वर ने आपको जो अनमोल वरदान दिए हैं उसका दाम आप किसके बदले देंगे? फूल देकर? आप फूल या फूलों की माला देकर परमेश्वर को दाम दोगे अपने आँखों के बदले अपने हाथ के बदले अपने पैर के बदले अपने शरीर के हर एक अंग के बदले? हालेलुया हालेलुया। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है ना कितने सारे लोगों के शरीर के छोटे छोटे हिस्से दर्द करना शुरू करता है छोटे छोटे हिस्से जैसे कि पैर के एड़ी में एक तरफ दर्द होता है छोटा सा भाग दर्द करता है पर पूरा शरीर को चलने में तकलीफ होती है। पैर की एड़ी शरीर का एक छोटा सा अंग है और पूरे एड़ी में भी नहीं कोने में दर्द होता है और इतना सा दर्द पूरे शरीर को तकलीफ देता है। एड़ी में एक कोने में दर्द होता है पूरा शरीर चल नहीं सकता है। जब उम्र बढ़ते जाती है इस रीति से छोटे छोटे अंग में दर्द होना शुरू होता है तब जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें कैसा बनाया है और कितने सारे बहुमूल्य और अनमोल वरदानों से हमारा शरीर भरा हुआ है। हालेलुया हालेलुया। ये तो शरीर की बात हो गई और उसके अलावा हमारे आसपास परमेश्वर ने कितने सारे अनमोल वरदान दिए हैं। हर दिन सूरज उगता है हमें रोशनी मिलती है ये परमेश्वर का वरदान है। हम कहीं से भी और कितनी भी बड़ी तरक्की करके सूरज को नहीं बना सकते हैं सूरज की रोशनी को नहीं पैदा कर सकते हैं। हर साल बारिश के समय आसमान से पानी गिरता है इसलिए हमारी ज़रूरत पूरी हो जाती है। इस साल जून का 1 सप्ताह गया 2 सप्ताह गया 3 सप्ताह गए और लोग पूछ रहे थे क्या इस साल बारिश होगी या नहीं होगी। बारिश नहीं हुई
तो हम कहाँ से पानी लाएंगे बताओ? क्या करेंगे? समुंदर के पानी को फिल्टर करके मीठा बनाएंगे, वो तो आपके पीने के काम आएगा। अनाज कहाँ से उगेगा? चावल कहाँ से होगा? गेहूँ कहाँ से होगा? खाएंगे क्या? जिएंगे कैसे? एक पदार्थ पानी परमेश्वर हर साल आसमान से देता है, यदि उसने नहीं दिया तो हम क्या करेंगे? और दूसरी बात, बारिश होने के पहले पूरा माहौल ऐसा गरम 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 हो गया था। एक दिन बारिश हो गई कि प्रभु ने एक ही दिन में पूरा एयर कंडीशन बना दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने बड़े इलाके को एसी बनाने के लिए कितने सारे एसी लगाने पड़ते बताओ? और एसी काम भी करते क्या? प्रभु ने आसमान से एक ही एसी लगा दिया, पूरा माहौल ठंडा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आसमान से पानी गिरता है, हमें, यदि हम आत्मा में जीवित लोग हैं, तो हमें बोलना चाहिए, हे महान पिता, स्वर्गीय पिता, तुझे धन्यवाद, क्योंकि ये तेरा दिया हुआ अनमोल वरदान है, तेरा दिया हुआ अनमोल वरदान है। कितने सारे लोग जब भी बारिश गिरते हैं परमेश्वर को गिरते हैं तभी परमेश्वर को दोष लगाते हैं। क्यों दोष लगाते हैं? उन्हें कहीं जाना है तो बारिश की वजह से रुकावट होती है। मतलब आप जहां जाना चाहते हैं वहां बारिश रुक जाए, बाकी जगह पर बारिश हो जाए। कैसा मनुष्य का दिमाग है ना। कई लोगों को मैंने ये भी बोलते सुना है कि बस जहाँ खेत है वहाँ बारिश होनी चाहिए, बाकी जगह नहीं होनी चाहिए। हाँ, प्रभु ये भी कर देगा, पर आप गर्मी से तड़प तड़प के मर जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बारिश के समय शरीर में छोटी छोटी फोड़ी आती है और कितनी सारी चमड़ी की तकलीफ होती है। जब हम पानी में भीग जाते हैं कितना अच्छा लगता है। ऐसे तो बादली से भी पानी से नहाते थे, फर्क नहीं पड़ता था। आसमान से जब भी बारिश होती है ना, तभी उससे हमारी चमड़ी ठीक हो जाती है, क्योंकि ये परमेश्वर का दिया हुआ अनमोल वरदान है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन चारों तरफ से परमेश्वर के प्रेम से भरा हुआ है, उसके महान वरदानों से भरा हुआ है। और परमेश्वर का सबसे बड़ा वरदान ये है कि हमें पापों से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। बाइबिल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, इतना प्रेम, इसका मतलब अपने पुत्र के बलिदान के पहले परमेश्वर ने मनुष्य से बहुत प्रेम किया है, बहुत वरदानों से उसका जीवन भरा है। पर उसने इतना प्रेम किया कि अंत में उसने अपना इकलौता पुत्र भी दे दिया। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, इंसान का पुत्र बन गया, स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ गया और हमारे पापों को मिटाने के लिए क्रूस पर उसने बलिदान किया। परमेश्वर के अनगिनत वरदानों से मनुष्य का जीवन भरा हुआ है, तो भी लोग परमेश्वर को भूल गए हैं, परमेश्वर के खिलाफ बर्ताव कर रहे हैं और परमेश्वर का विरोधी और मनुष्यों का विरोधी शैतान उसका हाथ पकड़कर नरक के रास्ते से आगे बढ़ रहे हैं। पर परमेश्वर जो प्रेम से भरा हुआ है, करुणा और तरस से भरा हुआ है, वो नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा का विनाश हो जाए, वो नहीं चाहता है कि हमारी आत्मा नरक में जाए, वो नहीं चाहता है कि हम शैतान के हाथ से अनंत काल दुख उठाए। और इसीलिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को, यीशु को, धरती पर भेजा। हालेलुया, यीशु मसीह हमारे पापों को उठाकर और हमारे सारे श्रापों को और पापों का सारा दंड उठाकर उसने क्रूस पर बलिदान किया। यीशु का क्रूस का बलिदान, ये परमेश्वर का सबसे बड़ा प्रेम है।
हम बोल सकते हैं प्रभु ने मुझे आंखें दी, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर ने मुझे हाथ दिया, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर ने मुझे पैर दिए, ये उसका प्रेम है। परमेश्वर ने मेरे लिए आसमान से बारिश को भेजा, ये उसका प्रेम है। वो मेरे लिए खेतों में अनाज को उगाता है, ये उसका प्रेम है। ये सब उसका प्रेम है। और इन सब से बढ़कर उसका प्रेम ये है कि मेरे लिए उसने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान किया, ताकि मुझे पापों की क्षमा मिल जाए और एक दिन मैं स्वर्ग के अनंत जीवन में पहुंच जाऊं। हालेलुया, 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 हालेलुया। और इसके भी आगे परमेश्वर का प्रेम ये है कि यीशु का क्रूस का बलिदान होने के बाद यीशु मसीह तीसरे दिन जिंदा हो गया, 40वें दिन आसमान में चला गया, पर जाने से पहले उसने और एक वरदान की बात की थी। परमेश्वर पिता तुम्हें और एक वरदान देने जा रहा है, वो है दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, जो आज धरती पर काम कर रहा है। 2000 वर्ष पहले परमेश्वर का पुत्र यीशु इंसान के रूप में धरती पर था और उसने मनुष्यों के पापों का दंड लेकर क्रूस पर बलिदान किया। उसके इस बलिदान के द्वारा आज के दिन तक हर पापी के लिए पापों की क्षमा उपलब्ध है, हर पापी के लिए मुक्ति और उद्धार उपलब्ध है, हर पापी के लिए स्वर्ग का रास्ता उपलब्ध है यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा। और आगे बढ़कर जब पापों की क्षमा पाते हैं, उद्धार और मुक्ति को पाते हैं, तब परमेश्वर पिता हमें पवित्र आत्मा ये और एक बड़ा वरदान देता है। क्यों देता है? पापों की क्षमा पाने के बाद जब तक हमें धरती पर जीना है, हमारा धरती का जीवन खत्म नहीं होता है, तब तक हम अपने आप को पापों से बचाए रखें, दुनिया की गंदगी से अपने आप को बचाए रखें, और हमें सच्चाई का मार्गदर्शन करने के लिए कोई तो हमारे साथ होने की ज़रूरत है। जैसे कि एक बच्चा स्कूल में जाता है, टीचर उसको सिखाते हैं, बिना किसी ने सिखाए वो अपने आप पढ़ाई नहीं कर सकता है। हमें पापों की क्षमा तो मिल गई, पर हम स्वर्ग में कब जाएंगे? 10 साल के बाद, 25 साल के बाद? तब तक हमारे लिए कोई टीचर चाहिए, कोई अगुआ चाहिए, कोई हमें सिखाने वाला चाहिए, कोई हमें इस रास्ते से आगे बढ़ाने वाला चाहिए, और वो है दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर पिता ने यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति के दिल में दिया हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु पर विश्वास करने के बाद और पापों की क्षमा करने मिलने के बाद हम तुरंत स्वर्ग में नहीं पहुंचते। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने पापों की क्षमा पाई और दूसरे ही पल मैं आसमान में स्वर्ग में पहुंच गई, ऐसा नहीं होता है। पापों की क्षमा मिलने के बाद, उद्धार होने के बाद हमें कुछ समय तक धरती पर रहना पड़ता है। हमारी जिंदगी जो बाकी है तब तक हमें धरती पर रहना पड़ता है, पर ये जो हमारी जिंदगी है ये अभी से पापों में नहीं बितानी चाहिए, गलत कामों में नहीं बितानी चाहिए, इसमें हमने शैतान का नहीं सुनना चाहिए। और इसीलिए परमेश्वर पिता हमें एक टीचर देता है, पवित्र आत्मा, जो हमारा अगुवा है, वो हमारे अंदर रहता है। यीशु मसीह मनुष्य रूप में था, वो बाहर था, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहता है, अंदर से वो हमारी अगुवाई करते रहता है, हमें कहता है यहाँ से चल, यहाँ से मत चल, ये बोल, ये मत बोल, प्रार्थना कर, स्तुति कर, वचन बोल, पवित्र आत्मा बोलते रहता है, अगुवाई करते रहता है, हमें सिखाते रहता है और हमें सत्य में यानी स्वर्ग के रास्ते में आगे चलाते रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वैसे ही पवित्र आत्मा हमें अंदर से ताकत भी देता है, ताकि दुनिया की ओर देखकर हम डर ना जाए, निराश ना हो जाए, दुनिया की ओर आसपास की भयानक बातों को देखकर हमारे अंदर डर ना पैदा हो जाए, या हमारे जीवन की बुरी बातों को देखकर हम निराश ना हो जाए। इसलिए पवित्र आत्मा हमें अंदर से ताकत देते रहता है, मजबूत करते रहता है। जब भी कोई बुरी बात होती है, पवित्र आत्मा अंदर से तसल्ली देता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूँ,
मत डर मैं तेरे साथ हूँ। जब शैतान चिल्लाता है, हमें डराने की कोशिश करता है, शैतान बाहर से चिल्लाता है, अंदर से हमारा अगुआ बोलता है मत डर, वो तेरा कुछ नहीं कर पाएगा। मत डर, वो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि मैं तेरे अंदर बैठा हुआ हूँ। वो तेरा नुकसान नहीं कर पाएगा, उसकी बातों को मत सुनना, उसकी बातों से मत डरना। ये हमें सिखाने वाला कौन है? ये हमें हिम्मत देने वाला कौन है? अंदर से हमें तसल्ली देने वाला कौन है? अगुआ, दूसरा सहायक, अर्थात पवित्र आत्मा। हालेलुया, हालेलुया। पहला सहायक यीशु था, जिसने हमें हमारे पापों को उठाकर हमें पापों से बाहर आने के लिए मदद किया, पापों की क्षमा किया, वो हमारा पहला सहायक। और दूसरा सहायक पवित्र आत्मा, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा के बारे में यीशु ने ऐसा कहा था कि वो तुम्हारे पास आएगा ताकि वो तुम्हारे पास सदा सर्वदा रहे, यानी एक दिन के लिए नहीं, एक महीने के लिए नहीं, सदा सर्वदा, हमेशा तुम्हारे अंदर रहने के लिए, हमेशा तुम्हारी अगुवाई करने के लिए और तुम्हें ताकत देकर मजबूत बनाने के लिए वो तुम्हारे अंदर रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप शांत होकर इन सारी बातों के ऊपर सोचेंगे तब जानेंगे कि परमेश्वर के कितने बड़े एहसान और कितना बड़ा प्रेम हमारे जीवन के ऊपर है। हमारा पूरा ही पूरा जीवन चारों तरफ से परमेश्वर के प्रेम से, करुणा से, उसके अनमोल वरदानों से भरा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए परमेश्वर का धन्यवाद एक मिनट के लिए नहीं होना चाहिए, एक घंटे के लिए नहीं होना चाहिए, दो दिन के लिए नहीं होना चाहिए, हमेशा हमेशा निरंतर हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहें। निरंतर हमेशा हमारे मुंह में प्रभु की स्तुति होनी चाहिए, निरंतर उसका धन्यवाद होना चाहिए, निरंतर हमने उसके भजन गाने चाहिए, उसकी स्तुति करनी चाहिए, उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का उसके उस वरदानों के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद हो। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं हमेशा बोलती हूँ, जब सुबह आपकी आंखें खुल जाती है, आपके जबान से पहला शब्द निकलना चाहिए प्रभु तुसे धन्यवाद, प्रभु तुसे धन्यवाद। आंखें खुलने पर मुंह से धन्यवाद निकलना चाहिए। आंखें खुलने पर मोबाइल नहीं देखना चाहिए। मोबाइल कहाँ है आज? फेसबुक पर ऊपर क्या आया है? व्हाट्सएप पर किसी का मैसेज आया है? यूट्यूब पर क्या आया है? कितने सारे लोग आंखें खुलने के बाद पहले अपना मोबाइल ढूंढते हैं। हमें आंखें खुलने के बाद बोलना चाहिए प्रभु तुझे धन्यवाद, रात भर तूने मुझे संभाला, ये नया दिन तेरे अनुग्रह से मैं देख रहा हूँ, मैं देख रही हूँ तेरे अनुग्रह के कारण तूने मुझे संभाला, तुझे धन्यवाद। इतना बोल के बिस्तर से पैर नीचे रखो, पहले प्रभु का धन्यवाद करो, तब से जो शुरू हो जाएगा दिन भर में हमारे मुंह में प्रभु की स्तुति रहनी चाहिए, उसके धन्यवाद होने चाहिए। रात को सोते वक्त तक हमारे मुंह में हमारा दिल हमेशा बोलते रहना चाहिए प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। यहाँ तक कि रात को बीच में कभी भी आपकी नींद खुल जाएगी तब भी आपका दिल बोलते रहना चाहिए प्रभु तुझे धन्यवाद, प्रभु तुझे धन्यवाद। आपने कभी कभी ऐसा अनुभव किया होगा कि आप जब भी रात को सोते रहते हैं आपके अंदर भजन बजते रहता है, लगता है हम गाना गा रहे हैं तो सोए हुए, पर ऐसा अनुभव करते हैं कि हम गाना गा रहे हैं, हम अपनी ही आवाज़ में प्रभु का भजन गाते हुए सुनते रहते हैं। इसका मतलब हमारा शरीर सोया हुआ है पर हमारी आत्मा गा रही है, प्रभु के भजन कर रही है, प्रभु की स्तुति कर रही है। और यही हमारा फर्ज है, यही हमने हमेशा करना चाहिए, ये परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया,
हालेलुया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि हम क्या देकर परमेश्वर के एहसान को चुका सकते हैं। फूल क्या, फूलों की माला क्या, ये सारी बातों से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता है। जब हम दिल से उसको धन्यवाद देते हैं तब परमेश्वर को अच्छा लगता है, क्योंकि हम परमेश्वर का धन्यवाद करते रहते हैं इसका मतलब हमने अपना दिल उसको दे दिया है। और प्रभु को फूल नहीं चाहिए, उसको हमारा दिल चाहिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, शांत होकर हमेशा परमेश्वर के एहसानों के बारे में, उसके वरदानों के बारे में ढूंढते जाना, खोजते जाना, सोचते जाना और हमेशा उसका धन्यवाद करते जाना। दिन रात उसके सारे अनमोल वरदानों के लिए उसका धन्यवाद करते जाओ, ताकि परमेश्वर आपके ऊपर प्रसन्न हो जाएगा और आपका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। गवाही है मेरी, ये गवाही, मैं गैस शिविर में आया था तो मेरे को पेट दो तीन महीना से बहुत दर्द कर रहा था, दो तीन दिन बाथरूम नहीं होता था। तो आखिरी समय बड़ी सिस्टर आई, उसने प्रार्थना किया तो उसी दिन से मेरा पेट ठीक हो गया है। मतलब आप बताते हो कि आपका पेट कड़क हो गया था, संडास के लिए भी तकलीफ होता था? बहुत तकलीफ होता था, यानी कि दो तीन तीन दिन बाथरूम नहीं जा पाता था हम। तो उस दिन से प्रार्थना किया है तब से हमारा पेट सही हो गया है। मतलब आप बता रहे हो कि गए हफ्ते में आप शिविर में आए थे तभी वंदना सिस्टर ने आपके लिए प्रार्थना की, तब से आपका पेट दर्द पूरी तरह से निकल गया, अभी आपको तकलीफ नहीं होती? नहीं, आप अभी पूरी तरह से ठीक हो? एकदम ठीक हूँ। ताई तुमचं नाव सांगा। सोनाली वेडगा, सोनाली वेडगा। काय साक्ष आहे तुमच्या मुलाची? माझ्या मुलाला दहा जेव्हा जन्माला आला तो तेव्हापासून त्याला सर्दीचा प्रॉब्लेम होता। जेव्हा आम्ही या शिबिरासाठी आलो तर पहिल्या दिवशी बघितलं तर त्याला होती सर्दी, त्याचा दुसऱ्या दिवशी जेव्हा प्रार्थना झाली तेव्हा मी त्याच्याकडे बघितलं, म्हणजे लक्ष नव्हतं अगोदर, नंतर लक्ष बघितलं तर त्या दिवशी त्याला सर्दी नव्हती आणि काल पण नाही आहे ना आज पण नाही आहे। म्हणजे 10 वर्षापासून त्याला सर्दी झाली होती? जे त्रास होता जन्माला आला तेव्हाच तो घेऊनच आलेला सर्दी। म्हणजे अधूनमधून होत असेल त्याला त्रास असं महिन्यात कधीतरी? नाही, त्याला रोजची वाहतच राहायची सर्दी, रोजची सर्दी सतत वाहत राहायची आणि त्याच्या हातात हमेशा रुमाल द्यायचा नाही तर पूर्ण कपडे खराब करून टाकायचा तो। कधी तो शाळेत वगैरे जात असेल ना? शाळेत गेले तर मॅडम वगैरे पण कंटाळून गेलेले, काय सोनाली तू मुलाकडे लक्ष देते का नाही, याची ट्रीटमेंट चालू कर, हा किती याला सर्दी, किती त्रास होतो याला, ह्याला उसास घ्यायला त्रास होतो आणि त्याच्यामुळे अभ्यासाचा आम्हाला जास्त ह्याच्यावर जोर देता येत नाही, तर असे करून जाम म्हणजे त्याला सर्दी सतत चालूच राहायची, सतत सर्दी सुरूच राहायची, त्याचा हात वगैरे पण पूर्ण म्हणजे पाणीने माखून जायचं, माखून जायचं, पूर्ण कपडे खराब करून टाकायचा तो। आणि जेव्हा तो इथे पहिल्या दिवशी तुम्ही शिबिरात त्याला घेऊन आले तेव्हा पण त्याला सर्दी होती? होती सर्दी। मग नंतर मग काय झालं? दुसऱ्या दिवशी प्रार्थनेत जेव्हा भाग घेतला तेव्हा बघितलं त्याची सर्दी थांबलेली होती आणि काल पण आणि आज पण अजिबात आलीच नाही आहे त्याला, अजिबात त्याला सर्दी नाही आहे, नाक वगैरे पूर्ण एकदम व्यवस्थित आहे आणि पूर्ण लाल लाल व्हायचं इकडे, त्याला ताता लाल लाल पण नाही ना, पूर्ण सुकलेलं आहे। बाबू इकडे ये, तुझं नाव काय? सार्थक। काय नाव आहे? सार्थक। सार्थक नाव आहे तुझं। तुला इतकं वर्षापासून म्हणजे एवढा त्रास होता की पूर्ण नाकातून सेंबूड गळायचं एवढा त्रास तुला झालं होतं? हो। तू नेहमी रुमाल वापरायचं? हो। मग काल काय झालं? कालपासून सर्दी नाही झाली? नाही। आता अजिबात काहीच त्रास नाही आहे? नाही। नाक अजिबात लाल नाही होत? नाही। प्रभूने इतकं वर्षाचं त्रासून त्याला बरं केलेलं आहे, देवाला धन्यवाद। आणि तुमच्या मुलीची काय साक्ष आहे? हिला आम्ही शनिवारी आता शनिवार होता तेव्हा हिला आम्ही घेऊन आलेले, तेव्हा गाडीवर घेऊन आलो, उचलून घेऊन आलेले होते, त्याची तिच्या खालून पायाला जखमा झालेली होती एवढी, म्हणजे पूर्ण ते खिलासारखा तो घुसला होता आणि त्याच्यानंतर पाय पिकला होता तिचा, तर तिला चालायला त्रास होता, तिला पूर्ण तिच्या पायाला सूजन होती आणि त्याच्यामुळे आम्ही तिला उचलून आणलेलं आहे, इकडे सिस्टर पण होत्या दोघेजणी, तिला पण दोघांनी पकडून तिला आणून बसवलं वगैरे आणि पहिल्या दिवशी म्हणजे थोडंसं तिला स्तुती आराधना वगैरे झाली तेव्हा हलकं वाटलं, पण ज्या दिवशी आम्ही शिबिरसाठी इकडे आलो त्या दिवशी तिचा पूर्ण पाय बरा झालेला होता, पूर्ण सूज पण निघून गेलेले। त्याच्या पायात तिच्या पायात खिळा कधी घुसला होता?
शुक्रवारी झालं होतं. शनिवारी जेव्हा पकडून आणलेले पण जाताना ते तिच्या पायावर चालत गेलेले. सर शनिवारी जेव्हा तुम्ही ते प्रार्थनेत आलं होतं तेव्हा आणलेलं तेव्हा चालत गेलेली ती. घरी नाचली वगैरे तरी पण तिच्या पायाला सूज होती. पण जेव्हा शिबिरच्या दिवशी आम्ही आलो ना त्या दिवशी तिची सूज वगैरे पूर्ण निघून गेली आणि जखम पण बरे झालेले. दाखवा तुम्ही दाखव. इथे या भागाला खिळा घुसला होता ना आणि पायाला सूज आली होती. आता पूर्णपणे पाय बरं आहे. बरं आहे. आणि तुमची काय साक्ष आहे? माझी म्हणजे इकडे मला तीन चार वर्षापासून इकडे असं टोचायचं असे काटेसारखे लागायचे. ओटीपोटीत तुम्हाला? हा इकडे ओटीकडे म्हणजे असे टोचायचं वगैरे आणि खूप म्हणजे त्रास होयचा त्या गोष्टीसाठी. सोनोग्राफी पण केली होती पहिले म्हणजे त्याची प्रार्थना पण केलेली तर ते बरे झाले. पण आता हे परत दुसरं काहीतरी हे झालेलं. तर जेव्हा असं ते काटे वगैरे लागायचे मला तर मग खूप पोटात असं काटं टोचतो असं तुम्हाला जाणवायचं तीन चार वर्षापासून? ते काटे असे सुईसारखे लागायचे मला याच्यामध्ये आणि नाही वाकायला वगैरे जमायचं नाही काय नाही. त्याच्यानंतर इकडे मी प्रार्थनेत भाग घेतला आणि तीन दिवसापासून असं का जखमसारखे झालेले. तर माझ्या असं पिवलं यायचं म्हणजे पूसारखं यायचा. आणि इकडनं प्रार्थनेत मी भाग घेतला आणि जेव्हा प्रार्थनेतून भाग घेऊन आणि बाथरूमला गेली आणि चेक केलं तर ते पिवलं पण नव्हतं आलेलं होतं. आणि जेव्हा मी वाकून वगैरे बघितलं तेव्हा पोट वगैरे काहीच दुखत नव्हतं माझं. कालच्या पवित्र आत्म्याच्या प्रार्थनेत तुम्हाला प्रभूचा स्पर्श झाला आणि लगेच मी ताबडतोब गेली. मला असं वाटलं का माझ्या पोटातून काहीतरी निघालेल्यासारखं आहे. तर मी तिकडे गेली आणि बाथरूममध्ये चेक केलं तर काहीच म्हणजे तसं जाणवलं नाही आणि पूर्ण बरं झालेलं होतं. आता तुम्हाला वाकायला वगैरे काहीच त्रास नाही? असं तुम्हाला वागता येत नव्हतं अगोदर? पूर्ण असं पोट कसं एकदम फुगून राहिलेलं ना असं दुखायचं म्हणजे असं वाकायला गेलं का. आणि खाली बसायला जमायचं? खाली बसायला जमायचं पण जेमतेम बसायची आणि उठायची. आता तुम्ही परत लोकांना वाकून दाखव. उभे राहा परत वाकून दाखव. असं तुम्हाला करताना आधी त्रास व्हायचं? खायचं मला पहिले. मांडी मारून बसून दाखव तुम्ही. उभे राहा. आता तुम्ही एवढं सहज उठताय बसताय काहीच त्रास नाही? त्रास होत आहे. असं करताना तुम्हाला त्रास व्हायचा? तेव्हा जाम त्रास व्हायचा. असं कवा मग असे करून असे दोन्ही हात मागे ठेवायचे आणि बसून जायचे. मग आधी तुम्ही कसं बसते ते दाखवा लोकांना. नाश्ता वगैरे घेऊन आले की एकटाट असं ठेवायचे ना अशी करून अशी बसायची. आणि बसायची तुम्ही? आता नाही. आता असं बसायची गरज लागत नाही. तर सरळ बसता उठता काहीच त्रास नाही? त्रास होत. प्रभूने फार मोठी दया तुमच्यावर केली आहे. प्रभूला धन्यवाद. आणि काय पुढची काय साक्ष आहे? आताची जेव्हा मी इकडे पवित्रात म्हणजे जेव्हा तुम्ही प्रार्थना घेतली जेव्हा ब्रदर प्रवचनीकडनं करून गेले. आत्ता शेवटची प्रार्थना? आत्ताची प्रार्थना. तेव्हा शेवटची प्रार्थना जेव्हा ब्रदर करून घेतले तर ब्रदर असे बोलले की म्हणजे ते मी शब्द म्हणजे माझ्या मनात ते असं म्हणजे पकडले मी ते शब्द जेव्हा ब्रदर बोलले का तुम्ही जेव्हा प्रार्थना करायला बसतील तेव्हा तुम्ही 5 मिनटं असे सहज असे म्हणजे तुमचा म्हणजे शांत राहा आणि आवाज काय येतो वगैरे ते तुम्ही ऐका. तर तुम्ही प्रवचनात ऐकले? हां आता प्रवचन झालं त्याच्यामध्ये. तर मी पण प्रार्थनेमध्ये हे केली आणि परमेश्वराकडे अशी रडून प्रार्थना करायला लागली का प्रभू आता 3 दिवस तर मी इकडे राहिली आहे तुझ्या चरणाशी. आता बरं घरी गेली तर माझ्या हातून पाप वगैरे होईल तर प्रभू मला तू सहाय्य मदत कर असं. तर तेवढ्यात माझं असे डोळे असं एकदम उघडलेसारखे आणि तिकडं प्रकाश आला तर मी प्रभूला सांगते का प्रभू हे काय आहे. आणि तेव्हा तेवढंच बोलले तरी नाही. आणि मग परत मी सांगते प्रभू हे काय आहे तर मला जितक्यांदा मी 3 वेळा त्याला उत्तर केलं मिळाला तर 3 वेळा मला तिकडनं उत्तर आला का मी आहे तो आहे असंच उत्तर आला मला तिकडनं. आणि एवढा जोरात प्रकाश आला पूर्ण पांढरशुभ्र झाला. म्हणजे जेव्हा प्रवचनात तुम्ही हे वाक्य ऐकले की तुम्ही प्रार्थना कराल तेव्हा 5 मिनटं शांत बसा हे वाक्य तुम्ही मनात धरून ठेवले आणि जेव्हा इथे शेवटची प्रार्थना सुरू होती त्या प्रार्थने तुम्ही देवाला विचारले की काय आहे असं. जेव्हा देवाने तुम्हाला सांगितलं की मी आहे तो आहे असं 3 वेळा मला तो आवाज झाला. परमेश्वराने तुम्हाला दाखवून दिलं की तो आहे. माझ्या प्रिय भावांनो आणि बहिणीनो या सर्व अद्भुत साक्षींबद्दल महान प्रभूला मोठ्याने ताड्या वाजवून धन्यवाद द्या. ताई तुमचं नाव सांगा. संती काकड. काय साक्ष तुमच्या मुलाची? म्हणजे माझी अशी सांगते काही मुलाचे म्हणजे एके दिवशी मी केसावरती म्हणजे पाहिले होते तर मध्ये केस नव्हती. मग मी काल इथे कालपासून विचार करायची काय म्हणजे मुलाला कसं म्हणजे लहानमध्ये
केस झाली, मला काहीच समजत नव्हतं. मग मी आज प्रार्थना जो ये इथे खुर्चीमध्ये बसलेले होते आणि नाश्ता करून बसलेले होते, तेव्हा देवाला सांगितलं की देवा म्हणजे माझे मुलाचे लहान केस कसे झाले काय मला समजत नाही असं. तेव्हा म्हणजे देवाने मला आठवण करून दिलं की एके दिवशी तू सांगत होतीस काय, म्हणजे मी प्रार्थनेमध्ये आलेले होते आणि ते चपलं ठेवतात तिकडे होती, तेव्हा माझी नजर माझे मुलाकडे गेले आणि इथे केस नाही असं मला दिसलं. तेव्हा मी इथे दाखवा तुम्ही या भागाला, बड़ा मान खाली कर, या भागाला केस कमी होते एकदम की कसं काय, इथे होतच नाही, केस नव्हतेच इथे, म्हणजे टक्कलसारखं झालं होतं या भागाला. म्हणजे मी म्हणाले काय इथे केस पहिली होती का नाही होते, तेव्हा मी म्हणाले आणि नाही ती विसरून गेली असं. पण कालपासून मला माझी नजर माझ्या मुलाच्या केसावरतीच जायची, मी विचार करायची काय झालं काय नाही मला समजतच नाही. मी नाश्ता करून त्या खुर्चीमध्ये आज बसलेली होती, तेव्हा देवाने मला आठवण करून दिलं की तू एके दिवशी प्रार्थनेमध्ये आली होती आणि ती शेवटी ती चपलं ठेवतात तिकडे, तू सांगत होतीस की मनामध्ये म्हणजे मुलाचं डोक्यावरती केस नाही आहेत असं. बाबू इथे इथे मागे फिर, मागे फिर. हे बघा या भागाला, ह्या ताई सांगतात की या भागाला केस नव्हते, या भागाला टक्कल पडलेला होता. यांनी एक महिन्यापूर्वी हे बघितलं होतं की या भागाला टक्कल पडलेलं आहे, केस नाही आहेत. एक महिन्यापूर्वी जेव्हा या प्रार्थनेत इथे आल्या होत्या तेव्हा, आणि ह्या म्हणतात की आज जेव्हा या नाश्ता करून इथे खुर्चीवर बसल्या होत्या तेव्हा त्यांनी मुलाकडे बघितलं तर या भागाला केस आलेले आहेत. कालपासून मी बघितले पण मला समजत नव्हतं असं. तेव्हा म्हणजे मी नाश्ता करून ते बसले ना, तेव्हा म्हणजे देवाला विचारलं की देवा आहे म्हणजे लहान केस निघालं ते मला समजत नाही. तेव्हा म्हणजे आठवण आली की ते म्हणजे देवाने मला आठवण करून दिली, देवाने माझ्या मुलाला नवीन केस दिली, म्हणून मी प्रभू येशूला धन्यवाद दे. आता त्या भागाला भरपूर केस आलेले आहेत. या भागाला जो पहिला पूर्वी टक्कल झालेला होता या भागाला बघा थोडे थोडेसे बारीक बारीक केस आलेले आहेत. प्रभूने त्याला नवीन केस देऊन आशीर्वादित केलेला आहे. तुम्ही टाळ्या वाजून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. आपका नाम बताइए. सुशीला परशुराम राठोड़ा है. क्या गवाही है? मेरा गवाही है कल पवित्र आत्मा का प्रार्थना चालू हो रहा था तभी आपने वो मेरे यीशु मैं स्वागत करा वो गाना में इतना जोर से मेरे को मैं आँख खुल मिला था तभी वो पोटू में से यीशु का पोटू में से इतना उजाला आया, इतना बड़ा प्रकाश आया मेरे मुँह पर, एकदम आँख बंद हो गया. इतना बड़ा मतलब जिस समय पर यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रार्थना शुरू थी और मेरे यीशु में स्वागत करो ये गाना शुरू था तभी आपको यहाँ के मतलब प्रभु यीशु की जो तस्वीर है वहाँ से आपको बड़ा प्रकाश आते हुए दिखाई दिया. बड़ा पॉक्स एकदम उजाला आया मेरे चेहरा पे पड़ा है, चेहरा पे पड़ा, इतना मेरा इतना पूरा पूरा निकल गया. एक 15 दिन से इतना मेरा शरीर इतना भारी लग रहा था, पूरा वजन लग रहा था, पूरा सामर्थ्य परमेश्वर इतना मेरे को उजाला से भर दिया, पूरा शांति से भर दिया. प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद. प्रभु धन्यवाद. इस उस समय पे जब प्रकाश आपके ऊपर आया तभी आपके पूरे बदन का दर्द निकल गया, पूरा बदन का दर्द निकल गया, पूरा शांति आया, पूरा आपका शरीर जो है शांति से आपका जीवन भर गया है. आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. इस बहन का नाम अंजलि कामले है. इस बहन को मिश्री का व्यसन था. वो बता रही है जब वो शादी से पहले ही उनको ये व्यसन था और वो व्यसन छोड़ने का बहुत प्रयास कर रही थी लेकिन छूट नहीं रहा था. 4 महीने पहले इस बहन ने निवासी शिविर में भाग लिया. निवासी शिविर में प्रभु का अनुग्रह इसके ऊपर हो गया और उनका व्यसन पूरी तरह से छूट गया है. वैसे ही 6 महीने से उनके बाएं हाथ में और बाएं पैर में दर्द होता था जिस वजह से उन्हें सीढ़ियां चढ़ने में भी बहुत परेशानी होती थी लेकिन उस निवासी शिविर में प्रभु का अनुग्रह हो गया और उनके हाथ का और पैर का दर्द भी निकल गया है. इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है. ताई तुम्हाला कधीपासून व्यसन होती? लग्नाच्या आधीपासून. लग्नाच्या अगोदरपासूनच होतं? मशिरी लावायची, लय लावायची, गोवा खायची, जाम लावायची, मशिरी आणि गोव्याचं व्यसन होतं. तुम्ही सोडण्याचा प्रयत्न केलेला? नाही सुटली, पण सुटत नव्हतं. एक दिवस शिबिरला आली, मी शिबिरला घेऊन आलेली मशिरी चर्चला आली तेव्हा सकाळी लावली वगैरे आणि जायचं होतं तिकडे धानूला तर टॉयलेटमध्ये गेली आणि परत फेकून दिली तिकडे बाथरूममधून आणि मग धानूला गेली. मग तिथे समर्पण करायला मला
भेटलंच नाही, पण तिथे मी पाया पडली, प्रभू माझं व्यसन मला मुक्त कर व्यसनातून झाली. हातपाय पण दुखायचा होता, हा हात चुजून दुखायचा, पण तो पण बंद झाला. दुसरी साक्षी अशी की माझ्या भाच्यानी माझ्याकडे चिठ्ठी लिहून दिलेली, 10वीचे पेपर होते, परीक्षा दिलेली त्याने, पण 65% पास झाला तो. इथे चिठ्ठी टाकलेली आहे. तुम्ही विश्वास आणि विनंती लिहून चिठ्ठी टाकली आणि तो आता 65% पास झाला आहे. ताई, तुम्हाला निवासी शिबिरमध्ये तुम्ही गेलात आणि प्रार्थना केली, त्यानंतर प्रभूची दया झाली, 4 महिने व्यसन नाही केलं. अगोदर तुम्हाला जमायचं नाही? जमायचं ना, अजिबात नाही. म्हणजे लाय लावली तर टॉयलेटला पण नाही जायचं. तुम्ही लावली नाही तर तुम्हाला टॉयलेटला पण जाता येत नव्हतं? नाही, काहीच करायला येत नव्हतं. सगळं भांडी घासायला, कपडे धुवायला लावायलाच लागायची. आता तुम्ही लावत नाही आणि सगळं करता? अजिबात नाही. टॉयलेटला वगैरे जात? व्यवस्थित होता. आता आणि पाय आणि हात दुखायचं, त्यामुळे तुम्ही शिडी चढत नव्हता? होती, अशी धरून धरून चालायची, कामावर जायची तशीच जायची धरून. पण आता तिथून मला बरं वाटतं. 4 महिने झाले तर तुम्ही व्यवस्थित चाल, तिथं शिडी पण चढता व्यवस्थित एकदम. प्रभूने त्यांच्यावर दया केलेली आहे. सर्वांनी जोरात टाण्या वाजून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या. इस बहन का नाम लीला बोबे है. ये बहन बता रही है कि लगभग 4 महीने पहले इनके शरीर के कुछ भाग को लकवा मार गया था और जिस वजह से उनका मुंह टेढ़ा हो गया था. हॉस्पिटल में वो एडमिट थी और उस समय पर ये बहन अपनी बहन के वहाँ पर रुकी हुई थी हॉस्पिटल में, और इन्होंने उनके लिए प्रार्थना की और यहाँ पर फ़ोन करके अपनी समस्या भी बताई कि मेरी बहन के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए. यहाँ की टीम ने इनके लिए प्रार्थना की, धीरे धीरे प्रभु का अनुग्रह होते गया, हॉस्पिटल से वो बाहर आ गई और उसके बाद से यहाँ प्रार्थना में आना शुरू हो गई. उन्होंने निवासी शिविर में भी भाग लिया, प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर होते गया. उनका मुँह जो टेढ़ा हो गया था वो पूरी तरह से अच्छा हो गया है और शरीर का सारा अंग अभी काम भी करता है. इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए. ताई उभे रहा. तुम्हाला 4 महिन्यापूर्वी काय झालं होतं? हे सगळं टोन माझं असं वाकडं झालं होतं. तुमचं टोन पूर्ण वाकडं झालं होतं? वाकडं झालं होतं पूर्ण. खायला पण होत नव्हतं. जेवायला वगैरे खायला काही जमायचं नाही? नाही. मग त्यावेळेस तुम्ही कशी जेवायची? जेवायची म्हणजे असं थोडंसं पेज खाली खायची एका बाजूने. हां, एका बाजूने. असं अचानक झालं? अचानक झालं होतं. आणि त्यानंतर मग काय घडलं? त्यानंतर मग माझ्या बहिणीने माझ्यावरून प्रार्थना केली, मग मला पण विश्वास बसला, मग मी पण प्रार्थना करायला लागली. त्यांनी तुमच्यासाठी प्रार्थना केली तेव्हा तुमचा विश्वास बसला, तेव्हा तुम्ही स्वतः प्रार्थना करायला लागल्या. तेव्हा तुम्हाला काय फरक जाणवलं? फरक जाणवला म्हणे वा, मी तेल पाणी करायला लागली, प्रभूची आठवण करायला लागली, तेव्हा मला तोंड हलवलं, माझं बरं झालं. बरं झालं मग मी खायला लागली, चांगली चालायला लागली. अगदी तुम्हाला चालता येत नव्हतं व्यवस्थित? अचानक मला असं झालं इथे दुखणं. अचानक झालं? आधी तुम्हाला आधी यांना चालायला जमायचं नाही व्यवस्थित? हा, व्यवस्थित चालायला जमायचं नाही आणि मला काहीतरी करा, नाही तर मी आता मरून जाईन, मला वाचवा. मी म्हटलं तुला काही होणार नाही, आमचा प्रभू येशू तुला वाचवणार, आमचा भरोसा आहे, असं तुम्ही त्यांना बोलल्या. आणि त्यानंतर मग या प्रार्थनेला यायला लागल्या? हा, त्याच्यानंतर प्रार्थनेला यायला लागल्या. अगोदर कधीच प्रार्थनेला आले नव्हते? कधीच प्रार्थनेला आले नव्हते. आणि मी सांगायची चल माझ्यासोबत, तर कधी तिला विश्वास नाही व्हायचा. आणि प्रार्थनेत आल्यानंतर मग प्रभूची कृपा त्यांच्यावर होत गेली? हो. आणि त्यानंतर ह्यांनी निवासी शिबिरात देखील भाग घेतलं होतं? हो. आणि तेव्हापासून आता त्यांचं तोंड पूर्णपणे व्यवस्थित आहे, हातपाय वगैरे व्यवस्थित तुमच्या आता काम करते? हो, करते. तुम्ही एवढं रडताय, तुम्हाला जास्त त्रास जाणवायचं. प्रभूने आता यांच्यावर फार मोठी कृपा केलेली आहे, त्यांचं तोंड देखील पूर्ण सरळ झालेलं आहे, आता त्या व्यवस्थित जेवतायत, त्यांचा हातपाय देखील व्यवस्थित आहे. तर तुमची काय साक्ष आहे? मी गेल्या रविवारी कामावर चालली होती, तर मागून बाईकवाल्याने जोरात रिक्षाला धक्का मारला, तर रिक्षा कशी पालटी झाली मलाच माहिती नाही. तेव्हा तुम्ही रिक्षात बसले होते? हा, रिक्षात बसली होती, पण रिक्षा कधी पलटी झाली काही समजलंच नाही. आणि पण काहीच झालं नाही मला, देवाने वाचवलं मला, म्हणून मी देवाला कोटी कोटी धन्यवाद देते. इस बहन का नाम नंदिनी दिवेकर है. ये बहन बता रही है कि जब ये 12 साल की थी तभी से ही इन्हें मिस्त्री लगाने का व्यसन था, यानी कि गए 22 साल से ये व्यसन उनको था, इससे उन्हें छुटकारा नहीं मिल रहा था. शादी के बाद उनके पति भी उनको छोड़ने के लिए बता रहे थे, लेकिन उनसे वो छूटता नहीं था. और इन्होंने मार्च के महीने में विश्वास से दोनों भी पति पत्नी ने निवासी शिविर में भाग लिया
और सोमवार के दिन जब ये समर्पण का प्रवचन शुरू था कि आपको जो भी कुछ व्यसन है, बुरी आदतें हैं, आप इन्हें प्रभु के पास लाकर के, स्टेज के पास लाकर समर्पण कीजिए। इन्होंने अपने घर से मिश्री का पैकेट लाया हुआ था और वो पैकेट उन्होंने समर्पण कर दिया। प्रभु का अनुग्रह उसी दिन इनके ऊपर हो गया और उनको इस व्यसन से प्रभु ने पूरी तरह से छुटकारा दिया है। वैसे ही इनके पति की गवाही है कि कुछ महीने से उनके गर्दन में तकलीफ हो रही थी, निवासी शिविर में प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर भी हो गया और इस तकलीफ से प्रभु ने उन्हें चंगाई दी है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। ताई तुम्हाला गेली 22 वर्षापासून तुम्ही मस्त्री लावायची। हाँ, तुम्ही स्वतःहून कधी प्रयत्न करत होते? भरपूर केलं पण सुटतच नव्हतं। भरपूर केले, सुटायलाच नाही तयार होतं। मग तिकडे शिबिर मध्ये घेऊन गेलेले, मग तिकडे सुटले मशेरे। आणि दररोज म्हणजे प्रत्येक वेळेला तुम्हाला काही काम करत असताना एक एक तासाला लावायचे? एक एक तासाने? एक एक तासाला। त्यामुळे तुमचे दात देखील काळे झाले होते? हो। आणि निवासी शिबिरामध्ये तुम्ही पॅकेट समर्पण केले? हां, समर्पण केलं। त्याच्यानंतर मला अजिबात व्यसन लावायचं, पण एकदा लावली होती मला उलटी झाली येशूच्या। एकदा तुम्ही लावली होती तेव्हा तुम्हाला उलटी झाली? असं अगोदर कधी घडलं नव्हतं की म्हणजे मसरी लावल्यानंतर तुम्हाला उलटी झाली? नाही नाही, कसंच नाही घडलं। पण त्या दिवशी तुम्हाला तसं देवाने दाखवलं आणि तेव्हापासून आता अजिबात तुम्हाला काहीच लावायची इच्छा होत नाही? 22 वर्षाचं व्यसन प्रभू येशूने पूर्णपणे सोडून टाकलं। हां प्रभू। आणि तुम्हाला देखील काय त्रास होत होता? मला 6 महिन्यापासून मानेचा त्रास होत होता, त्या म्हणजे असं मला फिरवायचंच येत नव्हते। 6 महिन्यापासून? हां। आणि मी जेव्हा निवासी शिबिरामध्ये भाग घेतला तेव्हा ब्रदरांनी प्रार्थना केल्या माझ्यातून त्रास निघून गेला। ब्रदरांनी प्रार्थना केली आणि तुमचा त्रास निघून गेला? आता मान वळवायला त्रास नाही? नाही हो। दाखवा तुम्ही लोकांना, असं तुम्हाला करायला जमायचं नाही? एक साईडला व्हायचीच नाही, माझे लेफ्ट साईडला फिरायचीच नाही, मला लेफ्ट साईडला फिरायची नाही। आता अजिबात काहीच त्रास नाही, होत नाही। प्रभूने दोघांवर मोठी कृपा केलेली आहे। सर्वांनी जोराने ताळ्या वाजवून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या। इस बहन का नाम निर्मला यादव है, ये यूपी की रहने वाली है। फिलहाल कुछ महीने के लिए यहाँ अपने भाई के घर आई हुई है। ये बहन बता रही है कि 2 महीने से यहाँ प्रार्थना में आ रही है और गए 30 साल से इनके पूरे परिवार में आपस में ही लोगों का चिड़चिड़ स्वभाव था, गुस्सा करना या झगड़ा करना, ऐसा सबकी आदत थी और इससे इन सबको छुटकारा नहीं मिल रहा था। ये बहन बता रही है कि जब से ये यहाँ पे 2 महीने से प्रार्थना में आने लगी, विश्वास से प्रार्थना बिनती लिखकर बिनती पेटी में डालती रही, प्रभु का अनुग्रह हो गया है। प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करने से प्रभु ने इन सब से इनको छुटकारा दिया है और इनके परिवार में शांति लाई हुई है। इसलिए आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। बहन, आपके घर में हमेशा सब लोगों का स्वभाव गुस्सा वाला रहता था? हाँ बहन, सबके जैसे अपने अमर पति बेटा अपने सबके वे हरदम गुस्सा वत रहा ले, तो प्रभु से हम आई नहीं तो मैं तो हम जिससे सबके लिखवा के डले रहनी है, प्रार्थना बिनती लिख के डली रहो। हाँ डले रहनी है पेटी में, तो तब से अब जैसे दुष्ट आत्मा से छुटकारा गलो से हम कहानी प्रभु परिवार में शांति बा। हाँ शांति है, प्रभु ने इनके परिवार में शांति लाई है। आप लोग तालियां बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। इस बहन का नाम जया बांगर है। 3 महीने से इनको हमेशा चक्कर आती थी, वैसे ही उनके बाएं आँख से उनको साफ नज़र नहीं आता था, धुंधला दिखाई देता था। इन्होंने प्रभु से प्रार्थना करके प्रार्थना माध्यमों का इस्तेमाल किया और प्रभु के वचन ये विश्वास से दोहराती गई। प्रभु की दया इन पर हो गई। अभी 15 दिन हो गए हैं, उनको चक्कर नहीं आती है, वैसे ही बाएं आँख से उनको साफ नज़र आता है। इसलिए आप सभी जन जोर से तालियां बजाकर प्रभु को धन्यवाद दो। ताई तुम्हाला 3 महिने डाव्या डोळ्यांनी दिसत नव्हतं? हां, पुरे काले काले अंधेरी येत होते ना, चक्कर येत होते मला, म्हणजे सतत तुम्हाला चक्कर यायचे आणि डोळ्यांनी स्पष्ट दिसत नव्हतं? रोज रात्री सकाळी मग मी कामावर जायला लागले ना, तरी पण असे असे करत जायची, मग मी रोज तेल लावायची, माती लावायची, नवचना पण रोज सकाळी संध्याकाळी करायची। तुम्ही विश्वासाने प्रार्थना माध्यमांचा वापर केला आणि वचन बोलत राहिलात? बोलत राहिले। मग आता मला 15 दिवस झालं, काय चक्कर बिकर येत नाही, चांगला दिसतंय, सगळा दिसतंय, म्हणून प्रभू येशूला धन्यवाद दे। आता 15 दिवस तुम्हाला चक्कर येत नाही आणि डाव्या डोळ्यांनी स्पष्ट दिसतंय? चांगला दिसतंय। आता तुम्ही मागेपर्यंत पाहू शकता? हां मागेपर्यंत सगळा पाहू, स्पष्ट दिसतंय सगळं। प्रभू येशूला मी कोटी कोटी धन्यवाद देते।
इस बहन का नाम बेबी गवारी है। एक महीना से उनके दाहिने हाथ की उंगली में मस्सा आ गया था और वो बढ़ते जा रहा था और उसमें से खून निकल रहा था, जिस वजह से उन्हें घर का काम करने में भी बहुत परेशानी हो रही थी। ये बहन ने एक महीना पहले चंगाई की प्रार्थना में विश्वास से भाग लिया और उस प्रार्थना में प्रभु का अनुग्रह उनके ऊपर हो गया और उनके उंगली का मस्सा जो बढ़ते जा रहा था वो कम होते गया। अभी वो पूरी तरह से ठीक हो गया है, इसलिए बहन प्रभु यीशु को धन्यवाद देती है। ताई तुमच्या कोणत्या हाताला हे हाताला झालेलं? उजव्या हाताला हे आलेलं, चामकील झालेलं। म्हणजे तर मला माझे जाम त्रास होत होता काम करायला, कपडे धुवायला, भांडी घासायला, त्याच्यातून रक्त यायचं ना, तर मग असं मला कंटाळा यायचा का मी कसं काम करू असं विचार यायचा। तर म्हणजे मी बरंच त्याच्यावर कोणी कोणी सांगितलेलं ते म्हणजे केलं औषध, पण बरं नाही झालं। आणि इथे मी प्रार्थनेत आलो तेव्हा विश्वासाने मी त्याच्या आजारे भागावर हात ठेवायला सांगितलं, ते मी हात ठेवला आणि त्या दिवशी पण म्हणजे रक्त येत होतं त्याच्यातून, वरती मास आलेला त्याच्यावर आणि रक्त येत होता। त्याच्या एक दिवशी अगोदर पण जास्त म्हणजे येत होतं रक्त आणि त्या दिवशी थोडं कमी, पण विश्वासाने मी इथे हात ठेवला त्या आजारावर। आणि संध्याकाळी मी इथून प्रार्थना संपल्यानंतर घरी गेलो आणि संध्याकाळी मी आंघोळीला गेल्यानंतर ते आपोआप निघून गेलं, पूर्णपणे म्हणजे निघून पडलं। त्याबद्दल मी देवाला धन्यवाद देते। कोणत्या बोटाला झालेलं दाखवा मस्सा? या बोटाला झालेलं, इथे थोडंसं हलकंसं डाग दिसतंय, डाग आता ते पूर्ण गेलं, पूर्ण जाड झालं होतं। हा जाड असं मोठं झालेलं थोडं। आणि आता तुम्ही घरातली कामं करता? हा आता सगळं करते, काय त्रास नाही होत। प्रभूने त्यांना बरं केलेलं आहे। सर्वांनी जोरात टाळ्या वाजून प्रभू येशूला धन्यवाद द्या। ये भाई का नाम विजय कुमार साव है। ये अपनी पत्नी की गवाही बताते हैं। इनकी पत्नी गांव बिहार में रहती है और इनकी पत्नी को लगभग 1.5 साल से पथरी की समस्या थी। पथरी के वजह से इनकी पत्नी के पेट में भी भारी दर्द होता था और कमज़ोर भी महसूस होती थी। इसके लिए इन्होंने इलाज भी किया, लेकिन जब तक दवाई का असर होता था तब तक ये ठीक रहती थी और जब जब दवाई का असर ख़त्म हो जाता था इनकी तकलीफ शुरू हो जाती थी। ऐसी तकलीफ इनको 1.5 साल से थी। ये भाई प्रार्थना में नियमित रूप से आते हैं। ये जब जब प्रार्थना में आते थे प्रभु यीशु के पास प्रार्थना करते थे और अपनी समस्या लेकर विनती पेटी में रखते थे और धीरे धीरे प्रभु यीशु की दया इनके पत्नी के ओर हो गई। और अभी ये बताते हैं कि अभी लगभग 5 महीना हो गया है इनके पत्नी की जो पथरी की समस्या थी प्रभु यीशु ने पूरी तरह निकाल दी है। अभी इनकी पत्नी अच्छी भली है, इसीलिए ये प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। वैसे ही इनको 2-4 दिन से इनके गर्दन में बहुत सारा दर्द हो रहा था और ये गर्दन यहाँ वहाँ मुड़ भी नहीं पा रहे थे। उसके लिए भी इन्होंने प्रभु यीशु के पास प्रार्थना की और ये बताते कि गए रविवार को ये प्रार्थना में आए थे। जब प्रार्थना में आए तो सिस्टर ने बताया कि जिन जिन लोगों और जिस चीज़ों पे आशीर्वाद चाहिए वो हाथ ऊपर करके ऊपर उठाए। तब ये भाई उस वक्त यहाँ पे मौजूद थे, इन्होंने विश्वास से उनके जेब में जो रुमाल था वो रुमाल हाथ पकड़ के उन्होंने ऊपर उठाया और वो रुमाल पे आशीष लेने के बाद वो जब प्रार्थना खत्म हुई घर चले जाने के बाद जब वो काम पर गए उनको वो दर्द हो रहा था तो उनको याद आया कि मैंने रुमाल उठाकर आशीष लिया था। उन्होंने उसी रुमाल को अपने गर्दन में लपेटा। लपेटने के बाद कुछ देर के बाद ही कुछ घंटे में ही इनका गर्दन का पूरा दर्द प्रभु यीशु ने निकाल दिया है। अब ये अच्छे है, इसलिए ये प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। आप सब लोग जोर से ताली बजाकर प्रभु यीशु को धन्यवाद दीजिए। करता यीशु
ताली बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो, दिल से प्रभु का धन्यवाद करो। प्रभु का महान सामर्थ्य आपके ऊपर आ रहा है, आ रहा है अभी अभी। प्रभु का सामर्थ्य आपको छू रहा है, जोर से तालियां बजाओ, उच्च आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 प्रभु तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद, तुझे धन्यवाद धन्यवाद। देखो उस महान प्रभु की ओर, वो आत्मा के रूप में यहाँ पर है। अपनी आंखें बंद रखो और अपनी आत्मा से प्रभु को देखो, क्योंकि प्रभु आत्मा है। अपनी आत्मा से उस महान प्रभु को देखो, अपने मन की सारी चिंताएं, मन का सारा बोझ प्रभु के हाथ में दे दो, क्योंकि उसको हमारा ध्यान है। वो आपसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि आप दुख में रहे। वो आपसे प्रेम करता है और नहीं चाहता है कि आप बीमारी में रहे, परेशान रहे, व्याकुल होते रहे। प्रभु यीशु आपको चंगा करना चाहता है, वो आपके जीवन के दुखों को निकालना चाहता है, वो आपको खुशी से भरी हुई नई जिंदगी देना चाहता है। दिल से उस पर विश्वास करो और अपना सारा बोझ विश्वास के साथ उसके हाथ में दे दो। सारी चिंताएं, सारा दुख, दर्द, बीमारियां, सब कुछ प्रभु के हाथ में दे दो और केवल अपनी आत्मा में उसको देखते रहो। वो प्रेम से भरा हुआ है, करुणा और दया से भरा हुआ है। देखते रहो, आप उसको देखोगे तो आपका जीवन खुशी से भर जाएगा। आप उसको देखोगे तो उसकी रोशनी आपकी आत्मा में आ जाएगी और आपकी आत्मा का अंधकार निकल जाएगा। जो उस महान परमेश्वर की ओर देखते हैं, उनका जीवन स्वर्ग के आशीषों से भर जाता है, स्वर्ग की रोशनी से भर जाता है। दिल खोल कर उसका धन्यवाद करो। वो ही है जिसने हमें बनाया, जीवन दिया, धरती पर भेजा, इस पल तक हमें जिंदा रखा। उसके पवित्र चरणों के पास उसी ने हम सबों को इकट्ठा किया है। धन्यवाद करो उसका, उसके कितने बड़े एहसान हमारे ऊपर है, कितना बड़ा प्रेम वो हम पर करता है। और उसका सबसे बड़ा प्रेम कि परमेश्वर ने अपने एकलौते पुत्र को धरती पर भेजा। यीशु मसीह इंसान बनकर धरती पर आया और हमारे पापों का बोझ उठाकर क्रूस पर बलिदान हुआ। हमें मुक्ति देने के लिए उसने अपना लहू बहाया, हमें शुद्ध करने के लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया। धन्यवाद करो उस महान प्रभु का जिसके कारण हम बच गए, हमारा उद्धार हो गया, हमें स्वर्ग की और अनंत जीवन की आशा मिल गई। अपने हाथों को स्वर्ग की तरफ ऊंचा उठाओ, दिल की गहराई से कहो, प्रभु तुसे धन्यवाद, प्रभु तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तूने मुझे बचाया, मुझे जीवन दिया, मुझे खुशी से भर दिया, शांति से भर दिया, श्रापों से मुक्त किया। तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, तू ही मेरा सहारा है, मेरे दिल का राजा है। तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद, तुसे धन्यवाद। जोर से तालियां बजाकर प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 तुसे धन्यवाद, प्रभु तुसे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
धन्यवाद। और अभी शांत होकर प्रभु के सामने अपना दिल खोलो। वो हमारे पापों की हमें क्षमा देता है और इसीलिए अपना दिल उसके सामने खोल दो। हमारे पापों को वो अनंत काल के लिए मिटा देता है। याद करो आपके मन में किन के लिए गुस्सा है, नफरत है, बदले की भावना है, उन सबों को अभी क्षमा करो। प्रभु का वचन हमें सिखाता है कि हमें हर दुश्मन को क्षमा करनी चाहिए। जिन्होंने आपको सताया है, आपको दुख दिया है, आपको धोखा दिया है, आपका अपमान किया है, आपको बदनाम किया है, आपका बड़ा नुकसान किया है, ऐसे हर व्यक्ति के चेहरे आंखों के सामने लाओ। शायद वे आपके घर ही के लोग होंगे या आपके पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त, सहेली, जिन जिन के खिलाफ आपके मन में गुस्सा है, आप जिनसे बात करना पसंद नहीं करते हैं, जिनका चेहरा देखना भी आपको अच्छा नहीं लगता है, उनके चेहरे आंखों के सामने लाओ और सच्चे हृदय से कहो, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करता हूँ, मैं तुझे प्रभु यीशु के नाम से क्षमा करती हूँ। सबको क्षमा करो, क्षमा करो, सारा गुस्सा अपने मन से निकाल दो, सबको क्षमा करो। टच टच टच। और अभी अपने खुद के पापों को प्रभु के सामने कबूल करो, नम्र बन जाओ और सारे पाप कबूल करो, क्योंकि हमारे बताने से पहले वो महान परमेश्वर हमारे सब पापों को जानता है। आपके जीवन के सारे गुप्त पापों को भी वो जानता है और इसीलिए कुछ भी छिपाने की कोशिश ना करे। एक बालक के समान नम्र होकर अपने पापों को प्रभु के सामने कबूल करें। चोरी करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, हत्या करना, रिश्वत लेना, रिश्वत देना, परमेश्वर को दोष लगाना, स्वार्थ, अहंकार, दूसरों को फंसाना, लूटना, दूसरों पर अन्याय करना, मन के बुरे विचार, आँखों से जो गलत देखा है, जबान से जो गलत बोला है, किसी को गालियाँ दी है, किसी से झगड़ा किया है, किसी के बारे में बुरा बोला है, किसी की निंदा की है, मजाक उड़ाया है, सारे पाप कबूल करो और नम्रता से कहो, हाँ प्रभु, मैं कबूल करता हूँ, मैं कबूल करती हूँ, मैंने पाप किए हैं, मुझसे पाप हो चुके हैं, मुझे मंजूर है, मुझे कबूल है, मेरा हर पाप मुझे कबूल है। टच टच टच। और अभी अपने पापों के लिए आंसू बहाकर पश्चाताप करो, मन फिराओ। जो पाप हमने किए हैं उनके लिए हमें अफसोस होना चाहिए, दुख होना चाहिए। यह समय है पापों के लिए रोने का। प्रभु से कहो, प्रभु, मैं एक पापी व्यक्ति हूँ, मेरा जीवन पापों से भरा हुआ है, तेरे सामने खड़े होने के लिए भी मैं लायक नहीं हूँ, क्योंकि तू पवित्र है, मैं पापी हूँ, बहुत पाप मैंने किए हैं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मेरे पापों के लिए मुझे दुख हो रहा है, मुझे बुरा लग रहा है। टच टच टच। और अभी क्षमा मांगो प्रभु के पास। हमें पापों की क्षमा देने के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर जान दी है, हमारे लिए उसने अपना लहू बहाया है। अपनी आत्मा में प्रभु के
क्रूस को देखो, अपने हाथों को उठाओ और उसे दिल से पुकार कर कहो, प्रभु यीशु मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, मैं महापापी हूँ, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु दया कर मुझ पर, दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू ही मेरा सहारा है, तू ही मेरा मुक्तिदाता है, मुझे बचा ले, मेरे पापों से मुझे बचा ले, दया कर मुझ पर, प्रभु दया कर मुझ पर, मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो डाल, तेरे पवित्र लहू से मेरी आत्मा को शुद्ध कर, प्रभु दया कर, प्रभु दया कर, दया कर मुझ पापी पर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर, मुझे क्षमा कर प्रभु, मुझे क्षमा कर प्रभु। और अभी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, एक पल में प्रभु आपको छूकर चंगा करेगा। जहाँ आपको बीमारी है वहाँ बड़े विश्वास के साथ हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। ये प्रभु का समय है, ये प्रभु की घड़ी है, स्वर्ग आपके लिए खुल चुका है। आपके शरीर में से हर बीमारी प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसे क्षण निकल जाए, शरीर की गाठियां नष्ट हो जाए, शरीर के दाग नष्ट हो जाए, जख्म सूख जाए, सूजन निकल जाए, टूटी हुई हड्डियां जुड़ जाए, मानसिक बीमारी प्रभु यीशु के नाम से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। आपके शरीर का हर एक अंग जिसे शैतान ने बांध कर रखा है प्रभु यीशु के नाम से इसी घड़ी वो मुक्त हो जाए, मुक्त हो जाए। अंधे देखने लगे, गूंगे बोलने लगे, बहिरे सुनने लगे, लंगड़े चलने लगे, कोढ़ी शुद्ध हो जाए। जिनमें दुष्टात्माएं हैं उन सारी दुष्टात्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इस क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। जिन्हें नौकरी नहीं उन्हें प्रभु नौकरी दे, जिनका धंधा है उनके धंधे पर प्रभु की आशीष आए, जिनके पास मकान नहीं उन्हें प्रभु मकान दे, जिन्हें बच्चे नहीं उन्हें प्रभु बच्चे दे, जो कर्जे के बोझ से दब चुके हैं उनका कर्ज अदा हो जाए, जो व्यसन में डूब चुके हैं वो व्यसन से मुक्त हो जाए, जिनके घर में झगड़े होते हैं उनके घर में प्रभु यीशु की शांति आए। आपके जीवन में से और आपके परिवार में से हर बीमारी परेशानी संकट प्रभु यीशु के पवित्र नाम से इसे क्षण निकल जाए, और आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। जोर से तालियां बजाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। ऊंचा आवाज में प्रभु का धन्यवाद करो। धन्यवाद 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 स्वर्गीय पिता, धन्यवाद हे महान पिता, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद प्रभु तुझे, धन्यवाद प्रभु तुझे, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आखिरी आशीष के लिए दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और इसी समय घर से लाया हुआ तेल, पानी, रुमाल और जिन चीज़ों पर आप आशीष लेना चाहते हैं उनको भी हाथ में पकड़कर ऊपर उठाओ। प्रभु यीशु उन चीज़ों के ऊपर अभी आशीष देगा। आप सबों के ऊपर प्रभु यीशु के महान आशीष आए। आप जहाँ जाओगे वहाँ सफल हो जाओगे, आप जैसा बोलोगे वैसा हो जाएगा, आपके मन की तमन्ना को प्रभु यीशु पूरा करेगा,
शैतान की हर योजना से प्रभु यीशु आपको बचाएगा, आपका जीवन और आपका परिवार प्रभु यीशु के महान आशीषों से भर जाएगा। आमीन। जो प्रभु का काम करना चाहते हैं और सामर्थ्य चाहते हैं, आप विश्वास से दोनों हाथों को ऊपर उठाओ। आप सबों के ऊपर पवित्र आत्मा आ जाए। हाथ नीचे करो। अभी हम मुक्ति की प्रार्थना लेने जा रहे हैं। ये पाप क्षमा और स्वर्ग प्रवेश की प्रार्थना है। आप में से जिन भाई बहनों ने प्रभु यीशु पर विश्वास नहीं किया है, यदि आज आप विश्वास करके अपनी आत्मा की मुक्ति पाना चाहते होंगे तो हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो और मेरे पीछे ये प्रार्थना बोलो। हे प्रभु यीशु, आज मैं तुझ पर पूरी तरह से विश्वास करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ कि तू परमेश्वर का पुत्र है। तू मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया। मेरे लिए तूने क्रूस पर जान दी है। हे प्रभु यीशु, आज मेरे दिल में मैं तुझे ग्रहण करता हूँ। तू मेरा प्रभु है, तू मेरा मुक्तिदाता है। हे प्रभु यीशु, मैं पापी हूँ, मुझे क्षमा कर और मुझे तेरे पवित्र आत्मा से भर दे। आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी हम आखिरी गाना लेने जा रहे हैं।